नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस व्लॉग। दोस्तों, ये गवान गांव से रास्ता आ रहा है, खारकोपर स्टेशन से आगे आने के बाद आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड में आपको ये नावा गांव का ये साइन बोर्ड दिखेगा। लेफ्ट साइड में नावा गांव है और सीधा जाएंगे तो आप यहाँ उलवे सिटी के लिए जा सकते हैं। ये देखिए साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये सीधा रास्ता जा रहा है उलवे की तरफ, लेकिन अगर यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो आप नावा गांव के लिए जा सकते हैं। ये देखिए साइन बोर्ड है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे खारकोपर स्टेशन से आगे आने के बाद। तो आज हम जा रहे हैं नावा गांव की तरफ, नावा खाड़ी में जो नया गार्डन बना है मंदिर के पास रामबाग करके, उसको देखने के लिए और मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते खारकोपर स्टेशन से आगे नावा गांव के लिए कैसे जा सकते हैं और कैसा है नया बनाया हुआ गार्डन रामबाग। दोस्तों, अभी हम नावा गांव की तरफ जा रहे हैं। ये जो सिंगल रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ही दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड बनने वाला है। चलिए आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, ये जो रोड है ये नावा गांव से पहले ट्रांस सर्वर लिंक के नीचे से जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ट्रांस सर्वर लिंक दिखाई दे रहा है, जो सिवड़ी से नावा सिवा आ रहा है, नया जो सीलिंग बन रहा है मुंबई से नवी मुंबई के लिए। तो एक्चुअली वो चिरले में ख़त्म हो रहा है, चिरले में उसको उतरने के लिए वहाँ पे उस पर चढ़ने के लिए जैसे सर्विस रोड सर्विस फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वैसे ही सर्विस फ्लाईओवर यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ उलवे से नवी मुंबई की तरफ जा सके। ये देखिए लेफ्ट साइड में, तो जैसे ही ये फ्लाईओवर कम्प्लीट होते तो ट्रांस सर्वर लिंक जाने के लिए आपको चिरले जाने की ज़रूरत नहीं, आप उलवे से भी ट्रांस सर्वर लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और मुंबई से आते हुए आप यहीं से उतर के आप उलवे से होते हुए नवी मुंबई की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए ये जो रास्ता है ये फ्यूचर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी यहाँ पे कुछ भी गाड़ी आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जैसे ये ट्रांस सर्वर लिंक कम्प्लीट होता है यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक आपको दिखेगा। ये देखिए सामने आपको ट्रांस सर्वर लिंक दिखाई दे रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये नवी मुंबई के लिए। ये सीधा मुंबई को जोड़ता है शिवडी से। ये देखिए बहुत ही इसका फास्ट काम चल रहा है, लगभग ये एक साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही रास्ता सीधा दोस्तों नावा गांव की तरफ जाता है, यहाँ से करीब 7 या 8 किलोमीटर रहेगा नावा गांव। उससे पहले ये नावा खाड़ी का जो रामबाग है वो अपने को लगेगा। ये देखिए हम लोग अभी ट्रांस सर्वर लिंक के नीचे से गुजर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने पे, बहुत ही शांत है यहाँ पे, शहर से बाहर एकदम हम लोग किसी नए टापू पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, समुंदर के अंदर। ये जो ट्रांस सर्वर लिंक बन रहा है उसके भी अपडेट्स वाले वीडियो में पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भी आने वाले नए नए जो प्रोजेक्ट है नवी मुंबई से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेरे यूट्यूब चैनल नवी मुंबई जीएस व्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम जा रहे हैं नावा खाड़ी में जो गार्डन बना है रामबाग, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गार्डन बनाया है। आप अगर रहते हो यहीं पे रहते हैं ना उलवे साइड में कहीं पे, उलवे या सीबीडी बेलापुर खारघर की तरफ रहते हैं, तो आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही नज़दीक है। ये अभी नए रास्ते बने हैं उलवे के, तो उलवे से तो सिर्फ आप 5 या 10 मिनट में आप रामबाग पहुंच सकते हैं उलवे से, मैक्सिमम 10 मिनट, क्योंकि रास्ते बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर और एकदम ही नज़दीक पड़ता है। मतलब पहले उलवे सिटी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ कभी आना हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही आप अगर उलवे सिटी आते हो तो जस्ट उसके पीछे 10 मिनट में आप ये नावा खाड़ी तक पहुँच सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ही रास्ता सुनसान है, क्योंकि यहाँ दूसरा और कुछ है नहीं, सिर्फ आगे यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर पर नावा गाँव है जो JNPT के ठीक नज़दीक है। आप गूगल मैप में जाके ये पूरा देख सकते हैं,
एकदम साफ दिखाई दे रहा देता है। JNPT नावा गांव बिल्कुल समुंदर के अंदर है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें एक बार नावा गांव को, और नावा खाड़ी में जो ये रामबाग बना है उसको। ये देखिए दोस्तों, ट्रांस हर्बल लिंक से बस 5 ही मिनट की ड्राइव करने के बाद सामने ये रामबाग दिखाई देता है। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, एक साल भर पहले, तो इसका काम चल रहा था। अभी अभी नया ही बनाया है। रामशेठ ठाकुर जो हमारे पनवेल के आमदार है, प्रशांत ठाकुर, उनके पिताजी है, उन्होंने ये बनवाया है रामबाग। अभी दोपहर के 12 बजे, अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा क्लाइमेट आपको शाम को यहाँ पे मिलेगा, शाम को 4-5 बजे के बाद। अभी दोपहर के ठीक 12 बजे हम लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी धूप है यहाँ पे। ये देखिए, थोड़ी दूर आने के बाद आपको ये राइट टर्न मिलेगा, राइट साइड में आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ा गेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रामबाग का, मावा खाड़ी में। चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये रामबाग के गेट के अंदर आने पे ही दोस्तों पता चलता है कितना सुंदर यहाँ पे गार्डन बनाया गया है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हम लोग। ये देखिए गेट है रामबाग का, दोपहर को बंद रहता है दोस्तों, ये 4 बजे के बाद खुलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, 11 बजे बंद होता है और 4 बजे के बाद खुलता है। बहुत ही सुंदर गार्डन है, मैं बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए पहले मंदिर का दर्शन लेते हैं, वहीं से अंदर का भी वीडियो देखेंगे रामबाग का। ये देखिए बहुत ही सुंदर गार्डन है, आप यहाँ पे आपको मंदिर के बाहर भी दिखाई देगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे सब फ्लावर्स के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं फूलों के। ये सामने मंदिर है, भगवान श्री महेश्वर मंदिर लिखाया गया है यहाँ पे। चलिए मंदिर के अंदर जाके देखते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी आपको गार्डन दिखाई देगा, मंदिर के परिसर में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लॉन बनाया गया है। शाम को बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिख लगेगा आने के बाद। चलिए यहीं से आपको मैं बाहर से ही ये रामबाग गार्डन के अंदर के व्यूज़ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे सब ये बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया गया है, एक बार ज़रूर विज़िट करें अगर आप यहीं कहीं नज़दीक रहते हैं, उलवे बेलापुर या वाशिक नेरुल की तरफ। बहुत ही नज़दीक है, उलवे से मैक्सिमम 10 मिनट पे है उलवे से। चलिए अंदर जाके दर्शन लेते हैं भगवान के। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये देखिए बाहर ये द्वारपाल की मूर्तियां हैं 3 छोटी छोटी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और एक यहाँ पे बोर्ड बनाया गया है मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में, यहाँ जानकारी दी गई है कभी हुआ था, किसके हाथों से हुआ था। चलिए अंदर चल के दर्शन लेते हैं भगवान महेश्वर के,
बहुत ही अच्छी मूर्ति है यहाँ पे भगवान की। तो दोस्तों हम लोग मंदिर में से बाहर आ चुके हैं अभी, चलिए फिर से ये दूसरी तरफ जाके चल देखते हैं गार्डन, रामबाग गार्डन के व्यूज़। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर यहाँ बनाया गया है गार्डन मंदिर परिसर में, आप देख सकते हैं। यहीं यहाँ से भी एक रास्ता है अंदर रामबाग गार्डन में जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे तुलसी के वृक्ष लगाए गए हैं, तुलसी के पेड़। ये देखिए मंदिर का व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया दिखता है। बहुत ही अच्छे तुलसी के झाड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। तो यहाँ पे भी एंट्री बंद है, 4 बजे के बाद खुलेगा यहाँ पे बताया गया है। बाहर से देखते हैं हम लोग। बहुत ही सुंदर दोस्तों गार्डन यहाँ पे रामबाग बनाया गया है। आप लोग समय निकाल के फैमिली को लेके ज़रूर यहाँ एक दिन विज़िट करने को आ सकते हैं। 4 बजे के बाद खुला रहता है शाम को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।